आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं रफीक अहमद। कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक ट्वीट किया था और अपने बात में कहा था कि कांग्रेस जो है, विपक्षी दल जो है, वो किसानों को भड़का रही है और ये जो तीनों काले कानून बने हैं उसके कंटेंट और इंटेंट पे बात नहीं कर रही है कि कंटेंट क्या है और इसके अंदर में इसकी नीयत क्या है। तो आज राहुल गांधी ने संसद भवन में बैठकर जिस तरीके से सदन में सबकी बखिया उधेड़ दी है, ये आपको देखना चाहिए। और ये इस बात को साबित भी कर दिया है कि मोदी ही असली टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार हैं। सुनिए इनके पूरे भाषण को और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। किसानों के मुद्दे इस देश के सबसे अहम मुद्दे होने चाहिए। किसान ही है जो तमाम मौसम में सबसे ज्यादा अगर सफर जो करता है, जो सबसे ज्यादा झेलता है परेशानियों से और आत्महत्या करते हैं, वो किसान ही है। अगर उनके मुद्दे पर अगर आज हम बात नहीं करेंगे तो ये जितने भी हैं, हम दो हमारे दो, सुनिएगा ये भी लफ्ज का इस्तेमाल बड़े अच्छे से इन्होंने किया है कि ये हम दो यानी मोदी और इनके एक और साथी जो हैं अमित शाह और इनके दो अंबानी अडानी, किस तरीके से ये हम दो और हमारे दो ने देश को लूट लिया। सुनिए इस वीडियो को। रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। तो बात है कि इन तीन कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। तो पहले कानून का कंटेंट, कोई भी व्यक्ति पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा, मंडी में कौन जाके खरीदेगा। तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो हॉर्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है, तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट, आपको याद होगा स्पीकर सर, डरते क्यों सुनो, तू स्पीकर सर, दादा स्पीकर सर, आप बजट फैमिली प्लानिंग का आप बजट पर बात,
आप सर सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को चार लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें, बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। चार लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत। हम दो हमारे दो, ये किसकी सरकार है, हम दो हमारे दो। तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट, माननीय सदस्य, आप आसन की हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सब्जी को बेचने का अधिकार, ये है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज फल और मनोपली की जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और अगर बजट में चल साइलोज में रखेगा, ये कोई ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं सर मैं आया हूँ, मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ, आपने बजट के लिए सत्ता के लिए पुकारा, मैं बता रहा हूँ। एक भी बैठी माननीय सदस्य, प्रधान बजट पर चर्चा है, मैं आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये तीन ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% आबादी इससे जीती है। 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। इसमें किसानों को फायदा मिलता है, तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देता हूं। दूसरे कानून का इंटेंट है, पानी दो, पानी गिर जाएगा, पानी दो। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। और जब वही किसान कंज्यूमर बन के अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाम से अपने बजट पे चर्चा है सर, बजट पे चर्चा है। राष्ट्रपति अभिभाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी, प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया,
आप उसी पे राष्ट्रपति का भी और आपका भी अपमान कर रहे हैं सर। ये आपका भी अपमान कर रहे हैं, संसद का भी अपमान कर रहे हैं सर। कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो।